हाउ इज इट गोइंग फोक्स, आई एम बैक विथ एट्थ एट्थ 18 आठवां एपिसोड के साथ माइनक्राफ्ट का। और मुझे पता है किसी को घंटा फर्क पड़ रहा होगा, माफ कर दीजिएगा अगर मैंने थोड़ा बुरा कह दिया आपसे, और मैं ये जो चीज कह रहा हूँ अभी ये भी गलत टोन में कह रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे पता है। हाँ, स्क्रिप्टिंग जरूरी है बॉस कोई भी वीडियो के लिए भाई। एक पता है मुझे वीडियो से क्या प्रॉब्लम लगता है बनाने के टाइम? एक तो मैं को मैं कहता हूँ, जबकि मैं को मैं नहीं कहता हूँ अपने एरिया में। आई नो इट्स काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग, पता नहीं मैं इसे अभी क्यों कह रहा हूँ, लेकिन बोलता हूँ। देखो, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं रहता हूँ झारखंड में। ओके, तो ओके, मैं रहता हूँ झारखंड में, थोड़ा पोलाइटली बोलता हूँ वरना लोग सोचेंगे कि। तो देखो, मैं झारखंड में रहता हूँ, पर हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने हम यूज़ किया, लेकिन मैं हम अपने खुद के इंडिविजुअलिटी, ऐसा कोई वर्ड है कि नहीं पता नहीं, पर खुद के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे कि हम। अरे बताए, आज हम वहाँ गए थे, आज हम ना यहाँ बारात में गए थे, लेकिन खाना बहुत बेकार दिया यार। लेकिन जब भी मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ, तो मैं खुद को जब देखता हूँ, खुद से बात करता हूँ, तो मैं वो हम वाला लैंग्वेज नहीं निकलता, वो मैं वाला निकलता हूँ। जैसे कि मैं आज माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, पता नहीं जब मैं अकेले रहता हूँ तभी ऐसा होता है, और किसी से बात करता हूँ तब ऐसा नहीं होता। तो फ्यूचर में अगर कोई सोचे कि भाई ये दिल्ली या फिर मुंबई वाला या फिर बम्बई वाला क्यों बम्बई, भाई मेरे पापा बोलते रहते हैं, ये मुंबई बम्बई वाला भाषा क्यों बोल रहा, तो मैं सिर्फ कैमरे के सामने, स्मार्टफोन है, गरीब इंसान, तो मैं सिर्फ कैमरे के सामने ऐसे बोलता हूँ। और नॉर्मली तुम अगर तुम नॉर्मली मुझे मिलोगे, होपफुली मैं फेमस हो जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ भाई, जब फेमस हो जाऊँगा तो मतलब कैसे लगेगा यार, मैं बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ, पूरा होगा कि नहीं होगा। वो कहते हैं ना, अगर YouTube में सक्सेस होना है तो फ्रीक्वेंट रहो, फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालते रहो। पर फिर फ्रीक्वेंट कहाँ से रहे यार, एक तो स्कूल जाता हूँ, जा नहीं रहा हूँ ऐसे, पर एक तो पढ़ाई हो रहा है भाई, स्कूल लाइफ है, स्कूल से नहीं जाकर निकल जाएगा कॉलेज से निकल जाओगे भाई, भाई बाप के पैसे में कितना जिए हो यार, नौकरी करना पड़ेगा वो दोस्त। तो भाई फिर उसका टेंस वही, फिर भाई उसका लेके चलो भाई, नौकरी चाहिए कहीं भी कैसे भी करके, वरना अच्छी लड़की नहीं मिल गई ना शादी करने के लिए, समझ रहे हो। भाई ये जो म्यूजिक बज रहा ना, मेरे मन के मतलब जितने भी तकलीफ है ना, मतलब मेरे माइंड तक पहुंचा रहा है, एक मिनट, माइंड तक पहुंचा रहा है। माइनक्राफ्ट म्यूजिक है ना, एक नंबर म्यूजिक भाई, इससे अच्छा म्यूजिक ना मैंने आज तक कोई गेम में नहीं सुना, वैसे मैंने ज्यादा गेम खेला नहीं है। ओ सुबह शाम हो रहा है, सॉरी माई बैड। तो ये जो भी देख रहे हो, ये जो दीवार है, पेंटिंग्स है, और ये जो बिस्तर है, ये सभी सब कुछ मैंने क्रिएटिव मोड में बनाया है या तो। और आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं क्रिएटिव मोड नहीं खेलूंगा, अनलेस मुझे कुछ बहुत ही बड़ा बनाना होगा। नहीं, उससे भी मैं सर्वाइवल मोड में ही बनाना चाहूँगा, क्योंकि उस जो बनने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, मैं लिटरली मैंने इस चीज़ में जो सबसे बड़ा चीज़ बनाया ना सर्वाइवल मोड में, वो मैंने बनाया था शायद एक बड़ा सा वॉच टावर बनाया था। बहुत पीछे मतलब एपिसोड में जाओगे तो पता चलेगा कि मैंने वही वॉच टावर काइंड ऑफ कुछ बनाया था। तो वो जो बड़ा सा बना ना, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला ना भाई, वो बहुत अच्छा लगता है। तो या मैं नहीं कुछ करने वाला मतलब क्रिएटिव मोड में, और एक मिनट सो लेता हूँ यार, सुबह तो हो जाए। ओए क्रीपर, भैंस की आँख ये निकलते ही मतलब आओ फटते तेरे सामने ना। चला भाई, मेरा ऑप्टिफाइन काम नहीं कर रहा है क्या, ये फ्रेम रेट भैंस की आँख क्या हो रहा है। ओए भैंस की आँख, मैं ये मर क्यों नहीं रहा है भाई। अरे यार लावा था, बच गए। अरे एकदम क्रीपर है भाई, मतलब भाई लोग आ कैसे रहा यार, लोग जल क्यों ना रहा है, क्रीपर आ रहा है। भाई 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 भैंस की आँख, क्रीपर तेरी ऐसी की तैसी। ए इधर आ, इधर भैंस की प्लीज जाना यार, यार मतलब तुम आज मुझे क्या करना है वो भी तब बोले नहीं दोगे। नहीं, भाग लेते पहले। गया। तो देखो, तो मैं सर्वाइवल मोड में खेल रहा हूँ, और मेरे पास ज़्यादा रिसोर्स है नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टाइम ये बकवास चीज़ें बनाने में बिताई हैं। तो भाई रिसोर्स तो चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, और वो प्रॉब्लम पता नहीं मैं ये क्या कहते हैं यार इसे, रोटेन मीट भाई, जो रहता है ना उसे खा के पेट भर लेना चाहिए। देखो तो
ऐसा है कि मैं जब इस तेज भागता हूँ तो खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो मुझे घोड़ा चाहिए सबसे पहले तो। पर मुझे घोड़ा का वो जो होता है ना पीठ में बैठने वाला, भाई क्या कहते हैं यार, सीट, सैडल, सीट तो नहीं, सीट क्यों कहेंगे उसको, क्या कहते हैं यार, सैडल, क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया यार क्या कहते हैं उसे। अरे यार इसका हम नाम भी नहीं रखे हैं। वैसे जो घोड़ा में बैठते उसको उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। सैडल, उसे कहते हैं, उसे कहते सैडल। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, क्या कहते हैं यार। बिल्लू रुको, तेरा नाम ना रुको, टैग वैग बनाएंगे ना तो उस दिन रखेंगे तेरा नाम। तो पहले मैं तुम लोगों को घोड़ा दिखाता हूँ यार, घोड़ा कहाँ पर है। ओके ये हमारा घोड़ा, इसका हम नाम बैठ तो ले यार, नाम पहले सोचने लगा हूँ यार मैं। लेदर हॉर्स अरे आर्मर नहीं चाहिए यार, तो क्या कहते हैं यार बैठने वाले को। सैडल, मुझे ना पहले शील्ड बना लेना चाहिए, मैं बिना शील्ड का घूम रहा हूँ। और रुको यार, तो बड़ी म्याँ म्याँ करता है। और हाँ मैंने एक बार ना मिस्टेक से ये पेड़ काट दिया था शील्ड बनाने के लिए, पर बाद में पता चला इससे शील्ड नहीं बनता है, शील्ड इस पेड़ से बनता है। मुझे ना इतना इतना दर्द हो रहा है ना, फ्रेम रेट नहीं मिल रहा है इस एरिया में। मतलब ये जो ओक ट्री क्या कहते हैं यार इसे, हाँ ओक ट्री, ये कम है यहाँ पर। मुझे लिटरली नाम वगैरह कुछ पता नहीं है, मैं अब से एकदम प्योर गेमर हूँ भाई, प्रो बनना है। हाँ वैसे भी मैं वो हूँ नूब भाई, मैं रेंडर चंक 2 कर दूंगा, आप कैसे नहीं फ्रेम रेट मिलता देखो तो। एक मिनट, इसमें तो मैं दूर दूर का देख ही नहीं पाऊंगा यार, हु केयर्स। मुझे सही में समझ नहीं आ रहा, ऑप्टिफाइन में लगा रखा है फिर मुझे फ्रेम रेट नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? और मेरा पीसी इतना भी मतलब है नहीं, मतलब बाबा आदम जमाने का नहीं है। शील्ड बनाने के लिए चाहिए 1 2 3 4 5 6 एक आयरन, आयरन का ईटा। थोड़े सीक्रेट स्टोरेज टाइप है मेरा, जहाँ पे मैंने काफी बॉक्स, ओह यस एक ही चाहिए दोस्त, एक ही। क्रिएटिव मोड में भाई क्रिएटिविटी इतना उल्टी की तरह निकलता है, मतलब समझ नहीं आता कहाँ पर क्या बनाया जाए। भाई मुझे रिसोर्स लेने के लिए ना जल्दी से वो घोड़ा का सीट बनाना पड़ेगा, अब मैं वही कहूँगा, मुझे उसका असली नाम याद नहीं आ रहा। ओ नहीं शील्ड तो यहाँ लगेगा दोस्त, यस भाई अब लग रहा हूँ ना, वही शक्ल देखा यार, यस नाम लुकिंग लाइक अ नूब। ओके मैं ये लोग पहले खिला के थोड़ा इनको मेट कराता हूँ पहले, ताकि उनके बच्चे बच्चे हों वहाँ, ताकि मुझे कमी ना पड़े फ्यूचर में। That's a very important thing, you know. ओ बच्चे को नहीं मारना है यार, बच्चे को नहीं मारना है, बच्चे क्यों आ रहे हैं यार, तुम्हें बच्चों को नहीं मारना है। अरे यार से सब मर जा तुम लोग भैंस, भाई रात हो रहा है यार, मुझे लेदर चाहिए। ए बस 4 मिल गए, चलो देखते हैं इसे बनता है कि नहीं कुछ। तू बाहर मत निकलियो, मार दूंगा, मार खाते ही मतलब भाई मुर्गी की तरह कूदने लगते हैं यार, मेरे से ना हो पाएगा, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब बाग। तो गाइस इस जो घोड़े में जो बैठा जाता है, जो सीट रहता है, उसको कहते हैं सैडल। और उसे हम बना, उसको हम क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तो मतलब माइनक्राफ्ट भाई नाम में क्राफ्ट लिखा है, उसको क्राफ्ट नहीं कर सकते क्या? तो उसे हम क्राफ्ट नहीं कर सकते, तो क्राफ्ट तो, और उसको पाने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब समुद्र में घुसो, अब पाताल में घुसो। बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस थिंग टू गेट दिस थिंग। और जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे लगा कि लेदर से सैडल बन जाएगा, पर नहीं बन सकता, और मैंने उन गायों को बेकार में ही मार दिया। रेस्ट इन पीस बाय द वे। मेरा कोयला था ना, पहले खाना पका के जाते हैं यार, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगा भाई गुफा में चल जाएंगे तो। इस टाइप का बॉक्स जो रहता है गुफा सब में, उस वो सब में मिलेगा वो मुझे वो सैडल। हाँ अब सही जगह लगाया, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तब तक मैं गुफा देख के आ जाता हूँ, कहाँ पर गुफा से मतलब एंट्री कहाँ से मारूंगा मैं। और होपफुल मुझे वो रेलवे ट्रैक्स मिल जाए जहाँ पर वो भाई क्या कहते हैं यार, हाँ चेस्ट बोलते हैं, वाओ मुझे चेस्ट नहीं बुलाया जा रहा था, उसे चेस्ट कहते हैं, वो मिल जाए तो उसमें हमारा सैडल होगा और हम फिर घोड़े में बैठेंगे, फिर चल देंगे जहाँ जाना होगा। यार मेरे पास पिकैक्स तो होना चाहिए भाई, भाई अब मुझे अरे यार वो वापस जा, एक मिनट मुझे वापस तो जाना ही है, क्योंकि वहाँ पर मेरा खाना पक रहा है, तो नो टेंशन। व्हाट्सअप माय पिगीज, कहाँ देख रहा है रे, ए बिल्लू तेरा नाम रखेंगे, चिंता मत करो, वेरी गुड नाइस।
ओके कोल को इसी में छोड़ देते हैं। ओए मुझे वो भी तो चाहिए होगा यार, भाग, टॉर्च, मसाल, जितने होंगे सब बना लूंगा। ओके, बहुत सारे बन गए, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बस वेस्ट नहीं करना है। ओ 64 के 64 बने, बहुत नाइस नाइस। ओके बिल्लू हम चलें, सुन रहा है? म्याऊं, हम जा रहे हैं सैडल ढूंढने तुर्कियों ही है। तेरे एको टैग बनाएंगे, मछली लेके आएंगे ताकि तुम मेरा पालती बन जाओ। रुक जा घोड़े, मैं तेरे लिए सैडल लेके आ रहा हूँ, फिर तेरे तुझे इतना खटाऊंगा ना। नहीं खटाऊंगा, वैसे मैं बहुत ही प्यारा इंसान हूँ, आई मीन बहुत ही शांत किस्म का इंसान। ओए तू वहां क्या कर रहा है यार? भाई तुझे बाहर निकल के ज़ॉम्बीज मारना है, तू वहां क्या कर रहा है भाई? मतलब बेकार में से क्रिएटिव मोड बनाए थे, उसे उनको मारना मुश्किल है भाई। कहाँ गुफा देखे थे यार हम, कहाँ गायब हो गया हमें? ओ वो रहा यार ये। भैंस की आँख किधर से मार रहा है रे? ओए 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 यार ये लग क्यों भाई, मैं गलत जगह कूद गया। हाँ उसी को मारो मारो, एक दूसरे को मारो भैंस की आँख। वेरी नाइस, थैंक यू ज़ॉम्बी, अब मैं तुझे मारूंगा। भैंस की आँख, मैं यहाँ से गिरा कैसे यार? मैं कूदा था भाई, मैं फावड़ा लेने भूल गया यार। फावड़ा बोल रहे भाई, पिकेक्स, एकदम राइट टाइम में ये म्यूजिक बज रहा है, एकदम मेरा किस्मत के जैसा। कहाँ है मेरा घर? मैं बड़ा मतलब मजे से आ रहा था, गिर भी गया, ऊपर से पिकेक्स पिकेक्स भी लाने भूल गया। ये म्यूजिक इतना सही बज रहा है भाई, मैं घंटा डायमंड नहीं ले जाने वाला हूँ वैसे। लेकिन यार वो ज़ॉम्बीज मार देते हैं यार, कोई बात नहीं ले जाऊंगा भाई, रिस्क लेना मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा यार। ओए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हर जगह भागता रहूँ, और मुझे सैडल चाहिए चाहिए भाई, मैं सैडल लेके रहूंगा। तो मुझे रेलवे ट्रैक्स ढूंढने, और वहाँ क्रीपर है यार, वो वहाँ पर यार, ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है रे? ओए देख के बरखुरदार, मुझे कैसे कभी करके वो रेलवे ट्रैक्स। अरे भाई तुम हद कर रहे हो यार, किधर है? लेकिन वो नहीं मरा, वाओ यार। क्रीपर सारे, क्रीपर सारे, क्यों क्रीपर क्रीपर क्रीपर, फटा 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 फटा, यस आ जा आ जा, फट ले फट ले फट ले, फटा 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 फटा, मजिया यार। भाई ये ज़ॉम्बीज क्यों नहीं मर रहे हैं? भाई अभी भी नहीं मर रहा यार वो, थैंक यू फॉर डाइंग। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो कर दो, और आई थिंक आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर क्रेजी गेम, और या फिर इसी के साथ सैडल का खोज जारी रहेगा। टिल देन बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। क्या गेम है यार।